हाय गाइस, मेरा नाम सुजीत दास है और आज की जो एक कमाल की ट्रॉफी है जिसमें आप एडुकेशन आ गया, आपकी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जॉब ढूंढना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आसानी से कैसे मिल सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरेस्टिंग ये बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगा और ये साइट जो है गवर्नमेंट की साइट है, ठीक है। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। गाइस, आज की जो ये जो जिसकी मतलब ये जो जॉब और कोर्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल गवर्नमेंट की साइड है और ये काफी लोगों के साइड के बारे में पता है, लेकिन लोगों को पता ये नहीं है कैसे क्या करना है और कैसे कोर्स करना है और कैसे जॉब हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में बताऊंगा मैं आपको। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, इसमें कोई भी जैसे 8वीं पास, 10th पास एंड ग्रेजुएट भी कोई भी हो तो उसकी वो भी कर सकते हैं इसमें। और ये कोर्स जैसे आपकी मूवी एनिमेशन हो गया, चाहे आपके घर की कोई भी लेडीज भी हो, चाहे ब्यूटी ब्यूटी की अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं ये भी है। और ऐसा कोई कोर्स नहीं जो सभी कोर्स है इसमें और बिल्कुल आसानी से आपका अगर एडुकेशन कंप्लीट हो गया, जैसे 10th पास ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप अगर सोच रहे हो जो हाँ मुझे कोर्स करना है, तो आप इस कोर्स में आसानी से कर सकते हो और बिल्कुल कोई भी फीस नहीं देना है। और प्लस इसमें क्या है, आपका अगर कोर्स कंप्लीट होता है तो वहां पे आपकी जॉब जो रिप्लेसमेंट हो जाता है। और प्लस आपको वहां से अगर आप जॉब भी नहीं करना चाहते तो उसमें आपको कुछ पैसा भी मिलता है, 500-800 रुपये कुछ मिलता भी है इसमें, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल बताऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन में, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो ये कोर्स है बिल्कुल गवर्नमेंट की साइट की है और इसमें कोई भी आपको अगर कॉल भी आता है अगर इस नाम से, अगर हाँ भाई ये जॉब दे रहे, तो उनकी झांसे में बिल्कुल भी ना आए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं लेगा इससे, बिल्कुल इजी है। और ये कोर्स जो है आप अपने नजदीकी जो भी है ये सारे चीज आपको प्रोवाइड करेगा और मैं ये सारी चीज बताऊंगा आपको कंप्यूटर के। प्लीज दोबारा अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। हम हमारी स्क्रीन मतलब लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, क्या सर्च करना है। PMKVY, ठीक है। ये सर्च करते हुए पहला जो साइट आएगा उसी में अपने को क्लिक करना है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। तो इसी में हम हमें क्लिक करके इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखो एक पॉपअप खुल जाता है, इसमें चेतावनी सूचना है, मतलब ये बताना जा रहा है अगर आपके पास इस मतलब इस साइट से रिगार्डिंग कोई भी कॉल आता है और आपसे पैसा हड़पना चाहता है तो उनकी बिल्कुल भी उनकी झांसे में नहीं आए, मैं दोबारा ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जैसे ये जो हेल्पलाइन है, ये नीचे वाले जो दो हेल्पलाइन है ये हमारी काम का नहीं है, ठीक है। हमारी जो काम का हेल्पलाइन है ये स्टूडेंट हेल्पलाइन वाला है, ठीक है। तो इसी में हमें अगर कोई भी अगर मतलब पूछताछ करना है कि कोई भी जानकारी लेना है तो पहले हम इससे कॉल करेंगे, नीचे वाले हमारी कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें नहीं जाना है। तो मैं बताऊंगा कैसे कोर्स जो है कैसे करना है हमें। जैसे कि इसमें देखो नीचे नीचे आप आते तो अगर तो इसमें सेक्टर स्किल काउंसिल, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा उनसे कोर्स करना है वो सारे कोर्स इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक दो ही बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ज्यादा अगर बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था जो VFX एनिमेशन मतलब मूवी की जो भी काम की रिगार्डिंग मैंने बताया था, तो उसके काम की रिगार्डिंग मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है हमें। तो यहाँ पे हमें जाना है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर में जाना है, ठीक है। सेक्टर में जाते ही हमें क्या करना है, इसमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्वालिफिकेशन वगैरह देखना है। इसमें क्वालिफिकेशन सामने वाला अगर स्टूड है तो हमें क्या मांग रहा है, हमसे क्या मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, तो हम यहाँ पे व्यू क्वालिफिकेशन पैकेज में जाएंगे, एक वीडियो फॉर्म खुलेगा। और आप जो भी कोर्स करना चाहते हो उसके पहले ये जो फॉर्म होता है क्वालिफिकेशन पैक जो होता है ये एक बार रीड करें। मैं आपको पूरी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा इसमें बताने में, तो मैं आपको
क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या चाहिए ये थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है 10th पास एवो, मतलब कोई भी 10th पास है तो भी चलेगा, अगर 8वीं पास है वो भी चलेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन फाइन आर्ट, तो ये वो बंदा कर सकता है जो 8वीं पास 10th पास हो गया, वो बंदा भी कर सकता है, इसमें ये कोर्स कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको आप सीधे लेकर जाता हूँ जॉब, अपन कोर्स जो है कोर्स कैसे हम करेंगे और कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन कैसे करेंगे वो चीजें मैं बताता हूँ आपको। पहले हम जाएंगे फाइंड एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फाइंड करेंगे, जैसे आपका अगर लोकेशन अगर दिल्ली है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, सर्च लोकेशन में कीजिए, ठीक है। जैसे दिल्ली है जैसे ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, जैसे आपके अगर न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली में ऐसे करके, तो यहाँ पे वो सारे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा कोर्स करना है हमें, ठीक है। ये सारे कोर्स की आ जाएगा इसमें, पूरा दिल्ली के अंदर जो भी है, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है, सेक्टर सर्च करना है, ठीक है। जैसे आपको कोर्स कौन सा करना है, अगर एनिमेशन मूवी की है, अगर मतलब मूवी की टाइप की करना है, जैसे हेल्थ केयर में करना है आपको, तो इस तरह से कर सकते हो आप कोई भी एक सेक्टर। आप मीडिया एंटरटेन में हम जाएंगे और यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी इंडिया के अंदर जितना भी मतलब ये कोर्स सिखा रहा है जो भी इंस्टीट्यूट है, तो ये सारे आ जाएगा। जैसे दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली इसमें आ गया, ठीक है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। और ये हमें क्या करना है, जैसे हमें अगर दिल्ली नॉर्थ में हमारी एरिया है तो हम क्या करेंगे, ये जो इनकी देखो एक ईमेल आईडी देख रखा है और एक कॉल एक नंबर देख रहा है, मोबाइल नंबर, इस मोबाइल में नंबर में कॉल करेंगे, हमें अपॉइंटमेंट लेना है इस कंपनी से, ठीक है। अपॉइंटमेंट लोगे तो ये आपको सारी चीजें बताएगा और आपको क्या 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 डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, कौन सा क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, ये भी बता देगा आपको ऐसे भी, ठीक है। तो आप को सिर्फ यही करना है, अगर आपकी कोर्स करने के कोर्स सीखना है तो आपको पहले आपको कोर्स यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जैसे आपकी एरिया की नजदीकी अगर पड़ता है तो आपको उस बंदे को कॉल करना है और कॉल करके उससे अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको कोर्स की सारे डिटेल मिल जाएगा, उसके बाद आप कोर्स कर सकते हो आराम से, ठीक है। और ये देखो दिल्ली के यहाँ पे पूरा एड्रेस दे सकते हो आप, डायरेक्ट इस ऑफिस में जाके बात भी कर सकते हो, ठीक है, इसकी रिगार्डिंग। उसके बाद अब कोर्स अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको चाहिए जॉब। तो जॉब के लिए चाहे वो कंपनी आपको हायर कर ले, अगर आपको वो कंपनी में अगर नहीं करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जॉब सर्च करना है, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आगे सर्च बाई जॉब रोल्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको जैसे आप मैंने अभी बताया आपको मूवी की एनिमेशन जो भी VFX भी है, जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे सारे कोर्स की जो भी आप जो भी कोर्स करना चाहते हो जिस मतलब सेक्टर में जाना चाहते हो वो सारे इसमें मिल जाएगा। मुझे ये मिल नहीं रहा है, एक मिनट, सब सभी कोर्स है, सभी सेक्टर में इसमें है, सारी चीजें हैं। जैसे मैंने ये एनिमेटर डाला तो इसमें इस तरह की मतलब कंपनी आ रहा है जो अभी आप इनको कॉल करके फिर वही जॉब के लिए सेम करना है आपको, जैसे आपने कोर्स के लिए किया था ऐसे आपको जॉब के लिए कॉलिंग करना है, नहीं तो आपको वहां पे जाके एड्रेस में जाके डायरेक्ट एड्रेस में जाके आप बात कर सकते हो। जैसे ये उड़ीसा की आ रहा है, जैसे जैसे पंजाब की सारे लोकेशन के आएगा, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी लोग मतलब स्टेट है सभी में आएगा ये, कुछ स्टेट में नहीं है, लेकिन मतलब कुछ स्टेट में बोले तो कुछ सेक्टर काम नहीं कर रहा है, और कुछ सेक्टर जैसे एनिमेशन वगैरह ब्यूटी वगैरह ये इस तरीके से कोड जो होता है ये सारे सारी स्टेट में अवेलेबल है। और जैसे ये जो एनिमेटर मैंने बताया था ये कोर्स कुछ
ये जो जॉब के लिए बताया था, ये मीडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है। तो ये आपको उड़ीसा पंजाब में मिलेगा, आपको कुछ वेस्ट बंगाल में भी, बिहार में भी, दिल्ली में है। सिर्फ यहाँ पे राजस्थान नहीं है, कुछ स्टेट में बताया ना, कुछ स्टेट नहीं है। ठीक है, तो ये आप इनसे अपॉइंटमेंट लेके इनके एड्रेस पे जाके आप ये सारे डिटेल बता सकते हो, और उन आपको बिल्कुल इजीली हो जाएगा इसमें। अगर उनके पास वैकेंसी अगर कोई भी अगर खाली रहता है तो आपको हायर कर लेगा। ठीक है, नहीं तो आप दूसरा ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर पंजाब में हो तो आप पंजाब में देखो, कंटिन्यू 3 आ रहा है, तो इसमें अगर एक में नहीं मिलता आपको, दूसरे सेक्टर में जाइए, दूसरा कंपनी में जाइए, वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा। पहली बार तो अगर कोर्स अगर कंप्लीट हो जाता है, आपको काफी कंपनी मिल जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड भी, और वहां पे जॉब भी मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये सही लगा आपको समझाने में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका अच्छा लगा है, और साथ में लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए ये वीडियो को आपको कैसा लगा। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और लेके आऊँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।